दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। अभी मैं आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता कद्दावर नेता तेज प्रताप यादव के साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बिहार के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बिहार वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग जैसा मीडिया वाले हैं जो कि हम लोग की आवाज़ जनता के कानों तक पहुंचाती है। और बात रही भ्रष्टाचार के, तो भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है बिहार में और पूरी देश में कि पूरी जनता देख रही है। भ्रष्टाचार के इंसान छोड़िए, भगवान ने भी नकार दिए, भगवान भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस तरह 2024 के चुनाव हुई तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के और बीजेपी सरकार को एक जोरदार तमाचा अयोध्या से मिली है, क्योंकि कह रहे ना कि इंसान नहीं भगवान, जोरदार तमाचा इन्होंने इनको अयोध्या हरा कर दे दिए कि नाकामियों तुम भ्रष्टाचार मत करो। और पहले ही बरसात में भगवान श्री राम जी के मंदिर टपकने का काम किया, उसमें पानी भर गया और देखिए कि 12,000 करोड़ के लगा के और नई संसद भवन के डिडोरा पीट रहे थे और संसद भवन भी नहीं बर्दाश्त कर पाई। पहले ही बरसात में पानी टपकने का काम कर रहा है और ये नाकामी छुपने वाली नहीं। तो भ्रष्टाचार ऊपर से पूरी भाजपा टीम पूरे संलिप्त है और इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले, 4 गुजराती हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी तड़ी पार ये देश चला रहे हैं, ये देश बेच रहे हैं और अडानी और अंबानी 2 खरीद रहे हैं। इसलिए आपने देखा कि इन्होंने जो बजट पेश किया उसमें पूरे देश में ढिढोरा पीटा जा रहा है कि 2 स्टेट को ज़्यादा पैसा दे दिए, खजाना खोल दिए। हम कह रहे कि आपने क्या खजाना खोला, बिहार को क्या दिया आपने, बिहार को क्या दिया आपने, खूब पैसा दिया आपने, तो 1,25,00,000 करोड़ पिछले बार भी दिए थे, मुंह से दिए थे। तो अभी तो बजट जो बिहार को मिला है वो तो इकाने में कुर्सी बचाओ अभियान, बिल्कुल दोनों कुर्सी बैसाखी के। अभी तो वही बात कर रहा हूँ सर कि बैसाखी बचाओ, कुर्सी बचाने के लिए लॉलीपॉप जिस छोटे छोटे बच्चे के जिस तरह लॉलीपॉप दे के और फुसलाया जाता है, उसी तरह नीतीश बाबू को और नायडू बाबू को ये फुसलाने का काम किए हैं कि ये खाली बोले कि लॉलीपॉप ले लीजिए आप, बजे रहिए। आपने क्या बक्सर में 2-4 लेन पुल बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उस किसान को जो खेत में हल चलाता है, क्या फर्क पड़ता है उस भैंस चराने वालों को जो खेत में भैंस चराता है, क्या फर्क पड़ता है वो 400 रुपये लेके दिहाड़ी मजदूर वालों को, क्या फर्क पड़ता है। आप हवाई जहाज वे उड़ा रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है बताइए। ये बजट से हम लोग एकदम बिल्कुल खुश नहीं है। और एक तीन हवाई एक्सप्रेसवे मिला है आप सर, 50 एक्सप्रेसवे बिहार में बना दीजिए। बिहार एक गरीब मजदूर की फैक्ट्री आज के डेट में कही जा रही है कि शाम को महाबोधि और पुरुषोत्तम भर्ती है इस सासाराम स्टेशन से, सारे बिहार के कोने कोने के स्टेशन से और भर के गुजरात और दिल्ली के फैक्ट्रियां चलाते हैं। तो केवल हम बिहार में पैदा हुए हैं सारे गुजराती और बम्बे के हम लोग फैक्ट्रियां चलाने के लिए नहीं, हम लोग भी अब लड़ाई लड़ेंगे। और जनता बिहार के जाग चुकी है और बिहार की राजनीति करवट लेने जा रही है और देखते रहिएगा, क्योंकि बिहार में जितने भी आपको 40 में से 39 पार्लियामेंट में आपको संसद भेजने का बिहार में काम किया, लेकिन एक भी नकम्मा सांसद ने आवाज़ नहीं उठाया कि केवल अपने क्षेत्र में 5 साल में 1 फैक्ट्रिया बैठाता तो आज 70 सालों में 73 सालों में कितनी फैक्ट्रियां ये बिहार से बाहर जाने की नौबत नहीं आती। हम लोग को दुख होती है जब हम लोग बाहर जाते हैं तो दुख होती है, एक बिहारियों को एक हे दृष्टि से देखा जाता है, बोलते हैं कहाँ से आए हो, हम लोग बोलते हैं बिहार, ओहो बिहार से, मतलब कि तुच्छ दृष्टि से तो बिहारी। और पूरे देश में सबसे ज़्यादा आयुष बिहारी बनते हैं, तो बिहारी में इतनी काबिलियत है, हमारी काबिलियत को हमारे नेताओं ने छुपा रखा है ये अपने कुर्सी बचाने के लिए, अपने पॉकेट भरने के लिए। तो हम लोग पूरे बिहारी मिलके, और हम आम आदमी पार्टी के कट्टर सिपाही हैं और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को ये नकामा बीजेपी सरकार जबरन बंद कर रखा है। न्यायालय पर हमें भरोसा था, न्यायालय ने एक एक करके सबको बेल देने का काम किया, हेमंत सोरेन ने छूट गए, संजय भैया छूट गए, अरविंद केजरीवाल जी को भी लोअर कोर्ट ने दे दिया बेल, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, और ये देखिए ये निठल्ला जाके हाई कोर्ट, और वही हाई कोर्ट का जो जज है वो उसका भाई है जो CBI ED वाला है, उसका अपना भाई है, तो मना कर दिया है, दे दिया, बस सुबह बेल मिला, शाम को फोन गया, अरे देखिए उसको लोअर कोर्ट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट दे दिया,
अड़का के रखना है, केजरीवाल जी को अंदर रखना है अभी, ये क्या बात हुई। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि ये जो अभी आज के राजनीति है वो ठीक नहीं है। ये देखिए गरीब गुरबा की आवाज़, बेरोजगार की आवाज़, नौजवान की आवाज़, ये छात्रों की आवाज़, एकदम इस पे बोलने का नाम नहीं ले रहे हैं, महंगाई पे एकदम बोलने का नाम नहीं ले रहे। सर आप पूरे हिंदुस्तान के सब्जियों का भाव मिला लीजिए, ये टमाटरों का भाव, ये देखिए ये अडानी और अंबानी को देख क्यों रहे, यही तो कारण है कि टमाटर इतना भर के किसान से ले लिए 2 रुपये केजी और स्टॉक करके अडानी और अंबानी के गोडाउन में पैक कर दिए, आज 150 रुपये 200 रुपये बेच रहे हैं मुँह मंगा। और ये देखिए सबसे अभी तो बिहार में आवाज़ उठ रही है, बिजली बिल इतनी रेट ज़्यादा हो रही है लगता है कि सोना के पोल और चांदी के तार पर लाइन आती है। और ये जो प्रीपेड मीटर है उसके खिलाफ हम लोग जोरदार आंदोलन करने वाले हैं अगस्त के बाद, अगर नहीं बंद हुआ तो पूरे एक एक जनता इसको जवाब देगी 25 में कि डिजिटल ये बंद करने का काम करे प्रीपेड मीटर, क्योंकि प्रीपेड मीटर के ऊपर अडानी नाम लिखा हुआ है, इसलिए गरीबों का खून चूस रहे हैं, ये बंद करे नहीं तो बिहार की जनता 2025 में एक एक वोट करके और इसके अंगेस्ट में चुनाव करेगी। और माननीय गठबंधन के सरकार अरविंद केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, तेजस्वी जी हों, अखिलेश यादव जी हों, राहुल गांधी हो, ममता दीदी हो, सबके गठबंधन में सरकार बनने जा रही है और ये बैसाखी की सरकार बहुत जल्द अगले महीने गिर जाएगी। तेज प्रताप यादव थे आम आदमी पार्टी के नेता, उनका कहना है कि बजट से न किसानों को फायदा है और ना ही गरीब गुरबा और दिहाड़ी लोगों को, वो सब 4 लोग मिलकर सरकार चला रहे, 4ों गुजरात के हैं, 2 सरकार चला रहे हैं और 2 हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।